क्यों यादव जी, शराबबंदी का पालन हो रहा है ना, और एक पुलिस ऑफिसर होता है वो गमछी से अपना मुंह ढक लेता है। गमछा पहिर के जब घूमेला बिहारी, पूरा संसार कहे ई हिंदुस्तानी, यो हम है बिहारी, हा हम है बिहारी। तोहनी के दिल टूटेला तो पियेला शराब, हमनी के दिल टूटेला तो आईएस बन जानी। उगता सूरज के दुनिया करेला प्रणाम, डूबता सूरज के कोई करे ना सलाम। डूबता सूरज के हमनी बानी सिर्फ पुजारी, छठ घाट पे पूजा करके बने नी बिहारी। टाइम मॉडर्न हो रहा है, तो टाइम के साथ हमने मोबाइल तो पकड़ा ना, चिट्ठी नहीं लिखते हैं अब, तो हमको इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और यही लेके मैं ये जो म्यूज़िक बनाया है, ये नया म्यूज़िक बनाया है मैंने, जिसको आप जिम में, क्लब में और कहीं पे भी बजा सकते हो। तो मुझे एक बंदा पीछे से बुला के ले गया कि आप ये रोल करोगे क्या? मैंने बोला करूँगा, मैं तो मतलब चाहता हूँ। तो उसने मुझे स्क्रिप्ट दिया और मैं वहाँ स्क्रिप्ट 5 मिनट में तैयार करके और मेरा ऑडिशन हुआ। और फिर उन्होंने बोला बैठो, और 10 मिनट में बाद मेरे पास मेरी कॉस्ट्यूम आ गई। ये भी एक फिल्मी कहानी है कि मुझे कैसे काम मिला पहला। लेकिन मैं शुरू से बॉम्बे में शूट कर रहा हूँ, तो मेरी इच्छा थी कि मैं बिहार आऊँ और बिहार में शूट करूँ। तो पिछले 8 साल 10 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे शूटिंग करने का मौका बिहार में मिला हो, लेकिन ये फर्स्ट टाइम मुझे बिहार में मिला। और ये बिहार की कहानी है और ये बिहार के यंगस्टर्स की कहानी है। ये सेक्रेट गेम्स बहुत बड़ा पूरे वर्ल्ड में हिट वेब सीरीज है, जिसमें सैफ अली खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उसमें मैं भी हूँ। हम लोग बोलते हैं ना कि अरे यार ये गवर्नमेंट ऐसा है, ये पुलिस वाला ऐसा है, लेकिन हम सारे वो तो सिर्फ 10 लोग हैं, हम लोग करोड़ों लोग हैं। तो हम लोग अपने ऊपर ये गलती लेना कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने ये शुरुआत कर दी है। एक सवाल ये है कि भोजपुरी गाना आप सुनते हैं? भोजपुरी गाना बिल्कुल सुनते हैं यार। कौन सा गाना आपको पसंद है और किन का गाना? पवन सिंह का, खेसारी का, या फिर किसी अदर? नहीं, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि मेरी बहुत इच्छा थी शुरू से कि मैं भोजपुरी फिल्म करूं, लेकिन मेरे पास कभी अच्छा स्क्रिप्ट नहीं आया। नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है द बिहार टॉप पे। मैं रत्नेश पांडे, इस वक्त हम लोग पटना एयरपोर्ट पे मौजूद हैं, और पटना एयरपोर्ट पे मेरी मुलाकात हो गई है एक ऐसे एक्टर से, एक ऐसे अभिनेता से, जो बिहार से चलकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहुंच रहे हैं, और सबसे खास बात बिहार को लेकर ये बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। इनका एक गाना, रैप सॉन्ग आया है हम हैं बिहारी, जो टी सीरीज़ पे रिलीज़ हुआ है और 19 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसे देख लिया है, काफ़ी पसंद भी लोग कर रहे हैं। तो भोजपुरी में जो वल्गर गाने और ये तमाम गानों से अतर अगर बातचीत करें, तो राजवीर सिंह नाम है इनका, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। वो गाना आप भी सुनिएगा, टी सीरीज़ हमार भोजपुरी से आया ना, तो वहाँ पे इन्होंने गाया है और बॉलीवुड में बहुत ही अच्छा काम करें। इनसे बातचीत करेंगे, कैसा अनुभव रहा गाने का, और आप पटना आए काफ़ी दिनों बाद हैं, कैसा अनुभव? सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार, और मैं बता दूं कि मैं पटना आया था अपने दो काम से। एक मेरी वेब सीरीज़ भी आई है डिज्नी प्लस हॉट स्टार पे, जिसमें मैं मेन लीड हूँ, और मछली नाम है उसका। तो वो उस मछली के प्रमोशन के लिए हम लोग आए थे, और हर जगह पे हम लोगों ने प्रमोट किया, और 2 दिन और प्रमोशन चलेंगे यहाँ पे, लेकिन चूंकि मेरी शूटिंग है वहाँ पे, मुझे आज पहुँचना ज़रूरी है। और दूसरा मेरा एक गाना है जो हम है बिहारी, मैं वो टी सीरीज से रिलीज़ हुई है और 3 दिन में वायरल हो गया है, 2 मिलियन व्यूज़ हैं उसके, और आप लोग भी ज़रूर सुने क्योंकि आप सब बिहारी हैं, प्राउड बिहारी हैं। और मैं आपको ये गाना कैसे बनाया, मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं पिछली बार जब पटना आया था और मोतिहारी आया था, तो मैं जिम कर रहा था, वहाँ पे किसी बच्चे ने भोजपुरी गाना बजाया, और उसके ओनर ने स्ट्रिक्टली उसको मना किया कि भोजपुरी गाना अगर अगले बार बजाओगे तो यहाँ से निकाल दिए जाओगे। तो मैंने पूछा लास्ट में जिम ख़त्म करके कि हम लोग बिहार से हैं, और हम लोग अगर भोजपुरी गाना नहीं बजाएंगे तो फिर साउथ में और यहाँ फिर बाहर तो बजेगा नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसी बात नहीं है, आसपास घर है यहाँ पे, तो कोई वल्गर चीज़ें होती हैं या फिर वैसा म्यूज़िक नहीं होता है। उस दिन मैंने सोचा था कि ये गाना मैं बनाऊंगा। और एक इंसिडेंट था कि हम लोग जब बाहर जाते हैं बिहारी लोग, तो बहुत सारे लोग कतराते हैं बताने में कि हम बिहारी हैं। सो प्राउड से कहो कि हम है बिहारी, हाँ हम है बिहारी, सच्चा हिंदुस्तानी, हाँ हम है बिहारी। इसका आपको लाइन सुनाता हूँ मैं कि उगता सूरज के दुनिया करे ला प्रणाम, डूबता सूरज के कोई करे ना सलाम। डूबता सूरज के हमनी बानी सिर्फ पुजारी, छठ घाट पे पूजा करके बने नी बिहारी। कहल जाला एक बिहारी होला सौ पे भारी, फिर भी हमनी झुक के प्रणाम करतानी। तोहनी के दिल टूटेला तो पियेला शराब, हमनी के दिल टूटेला तो आईएस बन जानी। गमछा पहिर के जब घूमेला बिहारी, पूरा संसार कहे ई हिंदुस्तानी, यो हम है बिहारी, हा हम है बिहारी, सच्चा हिंदुस्तानी, हा हम है बिहारी। तो ये गाना है, आप लोग जरूर देखिए इसको,
और गाने के बारे में आपने बताया, तो भोजपुरी से लोगों को क्यों इतना प्रॉब्लम होने लगा है? क्या आप चाहते हैं कि कुछ हम ऐसा बनाएं कि लोग पार्टीज में बजाएं? जैसे कि अभी आजकल के गाने ऐसे आ रहे हैं कि जो एक एलाइट क्लास की फैमिली होती है वो भोजपुरी गानों को नहीं बजाती पार्टी वगैरह में, आपने बनाया है, क्यों लोगों को प्रॉब्लम होती है भोजपुरी? नहीं, मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि पूरे वर्ल्ड में भोजपुरी गाना बजता है, और वो गाना है लॉलीपॉप लागेलू। मैं बैंगलोर में था, वहाँ भी ये गाना बजता था इंजीनियरिंग कॉलेज में, और पूरे वर्ल्ड में ये गाना बजता है। लेकिन बाकी के अगर गाने की बात आप बोल रहे हो, तो जैसा लोग यहाँ सुनते हैं, उस जो ऑडियंस सुन रही है वैसे ही गाने बन रहे हैं, तो उन लोगों की कोई गलती नहीं है इसमें। लेकिन हाँ, हमारा जो मिडिल क्लास है वो गाना सुन नहीं पाता, और इसी चलते जो हम हर गाने में बैंजू बजाते हैं, हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं किसी किसी गाने में, क्योंकि लड़के मॉडर्न हो रहे हैं, टाइम मॉडर्न हो रहा है, तो टाइम के साथ हमने मोबाइल तो पकड़ा ना, चिट्ठी नहीं लिखते हैं अब, तो हमको इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और यही लेके मैं ये जो म्यूज़िक बनाया है, ये नया म्यूज़िक बनाया है मैंने, जिसको आप जिम में, क्लब में और कहीं पे भी बजा सकते हो। तो आपकी जर्नी कैसे शुरुआत हुई, या पटना से आप हैं, कहाँ से? मोतिहारी से? मैं मोतिहारी से हूँ, मैं बिक्रमगंज से हूँ, मैं पटना से हूँ, नानी घर है मेरा पटना, बाढ़ पटना नानी घर है मेरा बोरिंग रोड में, तो मैं पूरे बिहार से ही हूँ आप कह सकते हो। जर्नी कैसे शुरुआत हुई उस इंडस्ट्री में जाने की, जहाँ पर बहुत ग्लैमरस है, मिडिल क्लास के लड़के वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, काफ़ी समस्याएं होती हैं, आज भी हमारे गार्जियन कहते हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी करो, आप कैसे वहाँ तक पहुँचे, कितनी कठिनाई है? नहीं, मैं भी उसी फैमिली से हूँ और आप लोग के बीच से हूँ मैं भी, और ये सारी चीज़ें मैंने भी फेस की है। लेकिन मैं बचपन से, मेरी फैमिली थोड़ा ब्रॉड माइंडेड थी, और बचपन से हम लोग बहुत छोटे थे, तो हम लोग को थिएटर लेके जाते थे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और ये सारी फिल्में देख के हम लोग बड़े हुए, तो हम लोग की फैमिली हम लोग को थिएटर लेके जाती थी, वहाँ से मन था कुछ करने का, बट कभी सोचा नहीं था कि एक्टर बनूंगा बॉलीवुड में जाके। और ये शुरुआत बहुत घूम के हुई, बैंगलोर गया, बैंगलोर में पढ़ाई की और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, उसके बाद फिर जो जर्नी शुरू हुई इंडियन आइडल से हुई, पहली बार बॉम्बे गया था, लेकिन वहाँ से फिर बैंगलोर आया, फिर जर्नी मैंने 2010-11 में शुरू की थिएटर से, जो वहाँ करता था, यहाँ भी थिएटर करता था मैं मोतिहारी में, बट वहाँ से जर्नी शुरू की मैंने ललित परिमू, जो शक्तिमान में आते थे, और फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। और 2013 से फिर बहुत इंटरेस्टिंग, ये भी एक फिल्मी कहानी है कि मुझे कैसे काम मिला। पहला हम लोग थिएटर करते थे वहाँ पे, और अश्विन धीर जो कि बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, अतिथि तुम कब जाओगे अजय देवगन की मूवी है, और सन ऑफ सरदार अजय देवगन की मूवी है, तो उसके जो डायरेक्टर हैं उनकी एक प्रोडक्शन हाउस है, तो सब टीवी पे एक सीरियल चल रहा था कृष्ण कन्हैया, मैं उसके सेट पे गया था फिल्म सिटी में, और वहाँ जाने के बाद मैं किसी से मिला और मैं वापस आ रहा था, तो मुझे एक बंदा पीछे से बुला के ले गया कि आप ये रोल करोगे क्या? मैंने बोला करूँगा, मैं तो मतलब चाहता हूँ, तो उसने मुझे स्क्रिप्ट दिया, और मैं वहाँ स्क्रिप्ट 5 मिनट में तैयार करके, और मेरा ऑडिशन हुआ, और फिर उन्होंने बोला बैठो, और 10 मिनट में बाद मेरे पास मेरी कॉस्ट्यूम आ गई, और मुझे पता ही नहीं चला कि ये हो क्या रहा है, और अगले मोमेंट में ही मैं सेट पे था। तो वो ये बड़ा फिल्मी तरीके से मेरा पहला मुझे पहला ब्रेक मिला था कृष्ण कन्हैया सब टीवी पे जो आता था। आगे अभी कौन सा काम आपको करना है? एक तो आपकी वेब सीरीज आई है मछली, जो इस वक्त डिज्नी प्लस हॉट स्टार पे है, और काफ़ी अच्छा काम, मतलब देख रहे हैं कि लोग पसंद भी कर रहे हैं, किस तरह की ये कहानी है, क्या बिहार बेस्ड है या फिर बाहर की कहीं की कहानी है? जी, इसके पहले मैंने बहुत सारी वेब सीरीज़ की है, सेक्रेट गेम्स बहुत बड़ा पूरे वर्ल्ड में हिट वेब सीरीज है, जिसमें सैफ अली खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उसमें मैं भी हूँ, और एस्केप लाइव आई थी अभी डिज्नी हॉट स्टार पे, उसमें साउथ के एक्टर थे सिद्धार्थ, उसमें भी काम किया था मैंने, और द टेस्ट केस आई थी जूही चावला, निमृत कौर, राहुल देव, उसमें भी था मैं। बट ये एक इस मछली वेब सीरीज जो डिज्नी हॉट स्टार पर आ रही है, उसमें मैं मेन लीड में हूँ, और सबसे अच्छी बात है कि सारे एक्टर, हम जो बिहार में रहते हैं, हमारा मन होता है कि हम बॉम्बे जाएं और बॉम्बे में शूटिंग करें, लेकिन मैं शुरू से बॉम्बे में शूट कर रहा हूं, तो मेरी इच्छा थी कि मैं बिहार आऊं और बिहार में शूट करूं, तो पिछले 8-10 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे शूटिंग करने का मौका बिहार में मिला हो, लेकिन ये फर्स्ट टाइम मुझे बिहार में मिला, और ये बिहार की कहानी है, और ये बिहार के यंगस्टर्स की कहानी है जो पलायन होता आया है बिहार से, हमको पढ़ने जाना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, हम सब बाहर जाते हैं, अगर हमको जॉब करना है हम सब बाहर जाते हैं, तो ये पलायन रुकना चाहिए, और उस जो नहीं निकल पाते हैं वो लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं। इस फिल्म का नाम है मछली, तो बचपन से हमने सुना होगा कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है,
तो उस पे ये बेस्ड है। और शशिकांत सा है जो मैंने कैरेक्टर निभाया आईपीएस ऑफिसर का, वो एनकाउंटर करता है इसमें, और उसके बाद फिर, लेकिन वो ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है, तो इसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है और चीज़ें निकल के बाहर आती है। तो ये बिल्कुल बिहार से रिलेटेड, और इसमें एक डायलॉग भी, अगर आप ट्रेलर देखोगे, पहला डायलॉग है कि क्यों यादव जी, शराबबंदी का पालन हो रहा है ना, और एक पुलिस ऑफिसर होता है वो गमछी से अपना मुंह ढक लेता है। तो ये एक बिहार की ही स्टोरी है हमारी, है एक कटाक्ष एक तरीके से किया गया है कि किस तरीके से शराबबंदी बिहार में जो भी फिलहाल फेल है ये सब जानते हैं। एक्चुअली कटाक्ष नहीं है, हम किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है, हम किसी भी गवर्नमेंट को लेके, मतलब यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है, हम आर्टिस्ट हैं, प्योर आर्टिस्ट हैं, और जो चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं वो हो रही है, उसी के ऊपर राइटर कुछ लिखते हैं और हम लोग कुछ लिखते हैं और बोलते हैं। एक सवाल है कि बिहार में बहुत दिन से चर्चा चलती है कि बिहार की एक अपनी इंडस्ट्री होनी चाहिए, यहाँ के आर्टिस्ट को मौका मिलना चाहिए, यहीं पे काम होगा, यहाँ के बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, तो ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? आपको भी इच्छा हो कि भाई बिहार में इंडस्ट्री बने तो बिहार में रहें, बॉम्बे ना जाएं, या फिर हम जाएं भी तो शूट करने जाएं, वहाँ से चले आएं। एक तरफ साउथ की इंडस्ट्री इतनी बढ़ रही है लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री कभी बढ़ नहीं पा रही है, रीज़न? नहीं, भोजपुरी की सिर्फ मैं बात नहीं करूँगा, मैं ये बात करूँगा कि आज यूपी में सब्सिडी मिल रहा है, सरकार सपोर्ट कर रही है, हमारे बगल में झारखंड में सब्सिडी मिल रहा है, सरकार सपोर्ट कर रही है, लेकिन हमारे बिहार में अभी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन हम लोग बोलते हैं ना कि अरे यार ये गवर्नमेंट ऐसा है, ये पुलिस वाला ऐसा है, लेकिन हम सारे वो तो सिर्फ 10 लोग हैं, हम लोग करोड़ों लोग हैं, तो हम लोग अपने ऊपर ये गलती लेना कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने ये शुरुआत कर दी है, हम लोग आए यहाँ पे और यहाँ पे हमने फिल्म बनाई, यहाँ पे 200 लोगों को रोज़गार मिला इससे, तो हम लोगों ने, हमारे डायरेक्टर अनिमेश वर्मा थे, या फिर एक डायरेक्टर राज वर्मा है, वो भी प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पे आने की, तो हम लोगों ने तो शुरुआत कर दी है इस चीज़ की, अब सपोर्ट आप लोग का चाहिए। अभी ये वेब सीरीज बनी है, आप लोग जितना ज़्यादा लोग देखेंगे, साउथ में लोग देखते हैं अपनी फिल्म को, तो आप जितना ज़्यादा देखेंगे हमको प्रोत्साहन मिलेगा और हमारा पैसा जो लगा है वो निकलेगा, फिर हम दूसरी फिल्म बना पाएंगे यहाँ पे। अगर हमारा पैसा डूबता रहेगा तो फिर वो हिम्मत टूट जाएगी हमारी। अंत में सरकार से क्या कहना चाहेंगे इंडस्ट्री को लेकर के, जो ऑडियंस है उनसे क्या कहना चाहेंगे? सरकार से तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कोई भी सरकार जो अभी है या फिर आएगी या फिर होगी, मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे आसपास के दोनों स्टेट्स सब्सिडी दे रहे हैं और बढ़ा रहे हैं शूटिंग को, फिल्म सिटी बना रहे हैं, वैसे आप लोग भी हमारी मदद कीजिए, और ऑडियंस से सिर्फ यही बोलूँगा कि आप लोग जुड़िए और हमारी वेब सीरीज़ देखिए और हमारी चीज़ों को देखिए कि बिहार में हम लोग और फिल्म बना सकें और उससे आप लोगों को रोज़गार मिलेगा, आप लोगों को काम मिलेगा, जो एक्टर्स चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें 90% एक्टर पटना थिएटर और मुजफ्फरपुर से लिए गए हैं इसमें, तो अपॉर्चुनिटी तो हमको मिल रहा है ना यहाँ पे, तो आप लोग अगर ऑडियंस सपोर्ट नहीं करेगा, ऑडियंस के बिना फिर कुछ नहीं है कोई भी, तो आप लोग ज़रूर देखिए हमारा गाना, देखिए हम है बिहारी, ये बहुत अच्छा गाना बना है, टी सीरीज़ पे आ रही है, हम है बिहारी आप लिखेंगे सबसे पहले वो गाना आएगा टी सीरीज़ पे, उसको आप लोग देखिए, प्यार दीजिए, अपने दोस्तों को दिखाइए। आप ये बात करते हैं आप लोग कि वल्गर गाना बन रहा है या फिर फैमिली में नहीं बजा सकते, अब जब मैंने बनाया तो उसको आप लोग देखिए, और आप लोग देख भी रहे हैं, ये वायरल भी हो गया है। अच्छा, एक सवाल ये है कि भोजपुरी गाना आप सुनते हैं? भोजपुरी गाना बिल्कुल सुनते हैं। कौन सा गाना आपको पसंद है और किन का गाना, पवन सिंह का, खेसारी का, या फिर किसी अदर? नहीं, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि मेरी बहुत इच्छा थी शुरू से कि मैं भोजपुरी फिल्म करूं, लेकिन मेरे पास कभी अच्छा स्क्रिप्ट नहीं आया। लेकिन एक और अच्छी बात आपको बताता हूं कि मैंने मेरे जिद पे अभी निरहुआ रिक्शा वाला पहली जो बनी थी उसके डायरेक्टर केडी जी हैं, उनको मैंने बोला, और उनकी एक फ़िल्म बन रही थी जिसमें हीरो अभी है निरहुआ, जो रिलीज़ होने वाली है, रिश्तों का बंटवारा, तो मेरी शुरुआत हो गई है, मैंने गेस्ट अपीयरेंस किया है, वो मुझसे और कुछ नहीं करवाए, क्योंकि वो बोले कि यार आप हीरो हो तो हीरो ही रहो, तो उन्होंने मुझसे रिश्तों के बंटवारे में गेस्ट अपीयरेंस करवाया है, जस्ट मैं दिखूंगा आप लोगों को, एक गेस्ट अपीयरेंस है, तो वो मैंने किया है, निरहुआ जी से मिला मैं, और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आज हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और बहुत बहुत संस्कारी हैं और बहुत अच्छे हैं। रही गाने की बात, तो भोजपुरी गाने में अगर मैं कहूँ तो पवन सिंह बहुत अच्छा गाते हैं, ही इज़ वेरी गुड सिंगर, बहुत
सुर में गाते हैं, क्योंकि मैं भी ट्रेंड सिंगर हूँ तो मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को। और ये सारे जो सिंगर्स हैं ना, आपने खेसारी लाल का नाम लिया, खेसारी लाल भी बहुत अमेजिंग सिंगर हैं, जो भी हिट है उनमें बात तो है। हम ये नहीं बोल सकते कि ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं है, आज जो हिट है ये बात आपको मानना पड़ेगा। हम लोग बोलते हैं कि अरे नहीं यार ये फलाना तो ऐसे निकल गया, फलाना तो ऐसे कर लिया, नहीं वो लोग ना वो लोग निकल चुके हैं और वो लोग में बात है, वो लोग स्टार हैं, देयर स्टार, उनमें बहुत उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया तब वो यहाँ पे हैं। तो सारे सिंगर्स अच्छे हैं। पवन सिंह जी से मैं मिला भी था मुंबई में, मेरे घर के पास हम लोग मिले थे, तो पवन सिंह के गाने मैंने सुने, सबके गाने सुने, तो पवन सिंह बहुत अच्छा गाते हैं, खेसारी भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो बहुत शुभकामनाएं आपको राजवीर जी, आप ऐसे ही आगे काम करें, बिहार का नाम रोशन करें, और सबसे बड़ी बात बिहार को लेकर के इनकी सोच काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ताकि बिहार के कलाकारों को ये मौका देते रहें, बिहार के कलाकार भी नाम करें। तो बहुत शुभकामनाएं हैं, आगामी जो भी वेब सीरीज़ हो, फिल्में हैं, सीरियल्स हैं, जो भी इसमें आप काम करें उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दर्शकों, हम आपसे भी निवेदन करना चाहेंगे कि हम हैं बिहारी, जो इन्होंने गाना गाया है बेहद ही खूबसूरत है, कल हमने भी सुना, पूरी टीम ने हमारी सुनी है और बेहद खूबसूरत है, टी सीरीज से आई है वो गाने, और यूट्यूब पे जाइए सुनिए, अपना प्यार दीजिए, बिहारी लड़के को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और बिहार के लोग काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, काफ़ी इमोशनली जुड़ते भी हैं लोगों से, तो आप हम चाहेंगे कि आप इनको सपोर्ट करें। देखते रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप, अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।